हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे द मॉडल्स ऑफ टेक्निकल चेंज पार्ट वन की। तो बच्चों, इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम पांच वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूट्रल एंड नॉन न्यूट्रल टेक्निकल चेंज के बारे में। दूसरी वीडियो में हम आपको हिक्स का जो टेक्निकल चेंज होता है, हिक्स का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो उनका व्यू है। तीसरी वीडियो में हम हेरॉड का जो टेक्निकल चेंज का व्यू है, उनका न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल चेंज के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चौथी और पांचवी जो वीडियो है उसमें हम आपको एम्बॉडेड और डिसएम्बॉडेड टेक्निकल चेंज के बारे में पूरा का पूरा समझाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि हम सारे का सारा जो सिलेबस है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से, नेट के हिसाब से, ये सारे के सारे कोर्सेज हम बच्चों के लिए तैयार करा रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप मुझसे मेरे ऊपर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस पूरे कंसेप्ट के बारे में, बहुत आराम से आप समझ लीजिए। कि सबसे पहले तो देखिए, जैसे कोई भी देश है वो ग्रोथ कर सकता है ड्यू टू कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन की एक लिमिट है। उसके अलावा एक और तरीका होता है ग्रोथ करने का, वो है टेक्नोलॉजिकल चेंज। यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंज का मतलब है कि अब आप पहले से ऊंचे प्रोडक्शन फंक्शन पे चले जाओगे विद गिवन लेबर एंड कैपिटल रेशो, सॉरी कैपिटल लेबर रेशो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए टेक्निकल चेंज होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज से क्या होता है, दो बातें होती हैं। या तो आप गिवन रिसोर्सेज में, यानी कि उसी लेबर और कैपिटल में आप ज़्यादा आउटपुट कर सकते हो अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है, या आप कह सकते हो कि अगर आपको उसी आउटपुट लेवल को अचीव करना है तो आप लेबर और कैपिटल की लेस क्वांटिटी को यूज़ करके भी उसी आउटपुट लेवल को अचीव कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज का फायदा है। जितने भी देश हैं, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, सबने अपना जो ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजिकल चेंज से ही अचीव किया है। तो इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए, यहां पर आप सबसे पहले समझ लीजिए न्यूट्रल एंड नॉन न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल चेंज के बारे में। तो ये इकोनॉमिक टर्मोलॉजी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है चेंज इज सेट टू बी न्यूट्रल इफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इज नीदर कैपिटल सेविंग और न्योर लेबर सेविंग। यानी कि कोई भी जो चेंज है वो न्यूट्रल तब कहलाएगा, न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल चेंज कब कहलाएगा, जब वो ना तो कैपिटल सेविंग हो ना ही लेबर सेविंग हो। इसका क्या मतलब है, नीदर ऑफ द टू फैक्टर बिकम मोर एंड लेस इंपॉर्टेंट एट द मार्जिन। यानी कि दोनों में से कोई भी ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना ही कोई कम इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर द टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो बच्चों, यहाँ पर आप एक वर्ड याद रखिएगा, कैपिटल सेविंग और लेबर सेविंग। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिफाइन करूंगा इस वीडियो में ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल टर्म है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे, जो रेट है उसको कैसे निकालोगे, आर अपॉन पी करके। यानी कि जो कैपिटल को आप देते हो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या और अपॉन में प्राइस। इसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैसे निकलेगा, वेज अपॉन प्राइस, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकाल सकते हो। तो अगर हम ऐसे लिखें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो किस तरीके से आएगा, एम पी आर पी अपॉन डब्ल्यू पी, ठीक है। तो RP और WP को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, RW। तो हमने RW की जगह R0W0 बोल दिया है। ये उस स्थिति को दिखा रहा है जब टेक्निकल चेंज नहीं हुआ है, उस कंडीशन को। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर आप या तो ये मान लीजिए कि आप 100 लेबर को यूज कर, 100 R0 आपकी 100 है, W वेज है आपका 100, हमने मान लिया है। इसका मतलब आप जो ये सिंपल तरीके समझने के लिए, मान लीजिए कि आप R0 और W0 आपका 100 है, जिसलिए आपकी ये जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आती है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैपिटल और लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट का रेशियो है उसकी हम बात कर रहे हैं। इस वाले को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको देखिए, कई बुक्स में आपको इस तरीके से दिखेगा, फंक्शन के जीरो अपॉन फंक्शन एल जीरो, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आपको ये वाला वर्ड बोले, चाहे वो ये वाला वर्ड बोले, बात बराबर है, मैंने दोनों ही लिखे हुए हैं। इसलिए इसका मतलब यहाँ पे आर की जगह कैपिटल लिख दिया है और डब्ल्यू की जगह लेबर लिख दिया, बात वही है। जीरो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज हमारे में इसमें नहीं हुआ है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए टेक्निकल चेंज होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज होने से क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज होने से ये होगा कि आप पहले से कम लेबर या कम कैपिटल या दोनों कम पे, अब आप ज़्यादा उतना ही प्रोडक्शन कर पाओगे। यानी कि आपका लेबर भी कम लगेगा या कैपिटल भी कम लगेगा, और हो सकता है दोनों ही कम लगे सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट के लिए। यानी कि दोनों का जो हम पे कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने तीन कंडीशन ले लिए, पहली कंडीशन को हमने R1 बोल दिया है, दूसरी कंडीशन को R2 बोल दिया है, तीसरी कंडीशन को R3 कह दिया है। कई बुक्स में आपको ये केवल R1 ही मिलेगा, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा अपनी बुक के हिसाब से, मैं तो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ।
अब देखिए, हमने ये माना कि नई टेक्नोलॉजी आने के बाद जो हमें रेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा था वो भी घटा, और जो वेज देना पड़ रहा था वो भी घटा, यानी कि दोनों में कमी आई। ठीक है, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी जो हमारा वेज बिल है या जो इंटरेस्ट का बिल है वो दोनों में कमी आई। लेकिन कमी किस रेट से आई वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हम अब दे रहे हैं वो 80 दे रहे हैं और ये जो दे रहे हैं वो 40 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी जो ये वैल्यू है ये बढ़कर 2 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है ये लेबर सेविंग कहलाएगी। देखिए, अब लेबर सेविंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेबर सेविंग क्या होती है? लेबर सेविंग तब कहलाती है, देखिए ध्यान से समझिएगा, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी तब कहलाती है जब आपका लेबर की क्वांटिटी में ज्यादा कमी आए एज कंपेयर टू कैपिटल की क्वांटिटी में। यानी कि आप कह सकते हो कि कभी भी आप किसी भी टेक्नोलॉजिकल चेंज को लेबर सेविंग तब कहेंगे, लेबर सेव तब कहेंगे जब लेबर के लिए जो बिल है या लेबर को बाय करने के लिए जो बिल पे करना पड़ रहा है और जो कैपिटल को बाय पे करना पड़ रहा है उसमें बराबर चेंज नहीं आ रहा, बल्कि लेबर का जो बिल है वो ज्यादा कम हुआ। कैपिटल का बिल कम हुआ लेकिन उसके कंपेयर में लेबर का बिल ज्यादा कम हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने क्या किया, सामान उठाने के लिए क्रेन खरीदी, तो क्या होगा, सडनली आपका जो लेबर का बिल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो उसे आप लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी कहोगे। ठीक है, तो लेबर सेविंग कब कहलाएगी, जब ये जो अमाउंट है, जब ये रेशियो है उसकी मात्रा बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये ज्यादा कम होना चाहिए और जो आर है वो कम कम होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, देखिए R1 अपॉन W1 मोर देन होगा R0 अपॉन W0 से, इसकी कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम R1 के लिए, जैसे इसमें हमने बोला था ना FK0, अब हम इसके लिए टी वर्ड यूज कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे तीन हमने कंटेंट लिए तो T1 T2 T3 यूज कर रहे हैं। यानी कि ये जो है ये टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद हुआ है, ये टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद हुआ है, क्या हुआ है, फंक्शन KT1 अपॉन फंक्शन LT1 इज मोर देन फंक्शन K0 फंक्शन L0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी है वो लेबर सेविंग है। तो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी कब कहलाएगी बच्चों, जब आपको ज्यादा कम मात्रा में लेबर का यूज करना पड़ रहा है। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी की। देखिए, कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी कब कहलाएगी, देखिए यहां पर क्या हुआ, अब हम उल्टा कर लेते हैं, हमारी लेबर का जो बिल है वो कम घटा लेकिन कैपिटल का बिल जो है बहुत ज्यादा घट गया। इसका मतलब हमारी जो कैपिटल के लिए हमें जो पैसे पे करने हैं वो ज्यादा कम हुए जबकि लेबर के लिए जो पैसे कम देने पड़ रहे हैं वो कम दोनों हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में देखिए ये जो वैल्यू है वो 0.5 आएगी। इसका मतलब ये जो अमाउंट है, ये वाला रेशियो जो है वो इस वाले रेशियो से बड़ा होगा, यानी कि R2 W2 बड़ा होगा, छोटा होगा R0 W0 से। तो इसको आप क्या कहोगे, कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी। तो कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी कब कहलाएगी, इसको हमने टू वर्ड यूज किया है क्योंकि ये दूसरे नंबर पे लिया है इसलिए। तो इसमें हम लिखेंगे फंक्शन KT2 यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद अपॉन फंक्शन KL2, सॉरी यहां पे एल आएगा नॉट के नहीं आएगा, ओके, इज लेस देन फंक्शन K0 अपॉन फंक्शन L0। तो इसको आप क्या होगे, कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल टेक्नोलॉजी पे। न्यूट्रल टेक्नोलॉजी तब कहलाएगी जब ना तो लेबर सेविंग हो ना ही कैपिटल सेविंग हो, यानी कि ना तो लेबर में कमी आए, मतलब आपका जो बिल है, लेबर का बिल और कैपिटल का बिल वो प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है। प्रोपोर्शनली चेंज होने का मतलब देखिए यहां पे क्या है कि 100-100 था, अब 80-80 हो गया। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो ना तो लेबर सेविंग है ना कैपिटल सेविंग है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल चेंज कहते हैं। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट, मैं आपको एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूं ताकि अब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए। अ चेंज इज सेट टू बी न्यूट्रल इफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इज नीदर कैपिटल सेविंग नॉर लेबर सेविंग। यानी कि कोई भी चेंज तब कहलाएगा न्यूट्रल, टेक्निकल चेंज तब कहलाएगा जब वो ना तो कैपिटल सेविंग हो, ना तो सिर्फ कैपिटल सेविंग मिले ना लेबर सेविंग मिले। इसका मतलब जो भी अमाउंट घट रहा है उसका जो प्रपोर्शन है, जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। यानी कि मान लीजिए आप 4 लेबर और 2 मशीन यूज करते थे, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद आप 2 लेबर और 1 मशीन यूज कर रहे हो, यानी कि आप इस केस को क्या कहोगे, न्यूट्रल कहोगे। न्यूट्रल क्यों कहोगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के बाद आपका जो कैपिटल सेविंग रेशियो है, सॉरी कैपिटल सेविंग है और जो लेबर सेविंग है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया। अब देखिए बच्चों, हम इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो अलग अलग बुक्स में देखिए, मैंने देखा अलग अलग डायग्राम बना रखे हैं, थोड़े से कंफ्यूजन है लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा आपको टेक्निकल टर्म में डालने की कोशिश नहीं करूंगा। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है या लेबर लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रोडक्शन फंक्शन ले लिया
ठीक है, जिसको हम मान लीजिए Q1 बोल देते हैं, और हम मान लेते हैं कि 100 शर्ट को पैदा करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से समझिएगा। और इस केस में मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम यूज कर रहे हैं, हम एक इसको एक लाइन से डाल देते हैं, बजट लाइन बोल सकते हो आप इसको, ऐसे करके डाल देते हैं, यानी कि ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हमारा लेबर कितना है, चलिए कोई अमाउंट रख लेते हैं, मान लीजिए 10 कैपिटल है और 10 लेबर है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों जी, बच्चों तो यहां पर हमें क्या करना है, 10 कैपिटल 10 लेबर का यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारा क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ, और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट क्या हुआ, लेबर सेविंग है। कैसा है, लेबर सेविंग है। तो लेबर सेविंग का क्या मतलब हुआ कि इस केस में देखिए आपकी जो लेबर है, अब डायग्राम में आप देखेंगे तो कई बार यहां पे लेबर होता है, कई बार यहां पे होता है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं तो आपको कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो लेबर का, लेबर सेविंग कब कहलाएगी, जब आपकी लेबर जो है वो हो जाएगी 5 और कैपिटल रहेगी आपकी 8, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। मतलब आपने क्या किया है, अब आपका देखिए यहां पर 5 आपने लेबर यूज की, तो ये आपका कॉम्बिनेशन, आप एक इसको हम एक डाल लेते हैं Q1, यानी कि ये भी देखिए 100 का ही प्रोडक्शन दिखा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका प्रोडक्शन घट नहीं रहा, हालांकि ये नीचे की तरफ आया है, लेकिन ये केवल लेबर और कैपिटल के रेशियो दिखाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इस केस में आपका जो ये जो लाइन है, देखिए ये मैं ऐसे बना देता हूं, दिस वन ऐसे करके, तो कई बार आपको ये सीधी लाइन में ऐसे करके दिखता है, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सीधा बना रहा हूं यहां पे, तो इस तरीके से ये जो बी पॉइंट है वो इस लाइन से नीचे आएगा। ओके जी, तो ये लेबर सेविंग को दिखा रहा है। इसका मतलब इस केस में क्या हुआ, लेबर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा घटी है, कैपिटल की क्वांटिटी ज्यादा कम घटी है। कई बुक्स में कैपिटल ऊपर लेबर नीचे, आप ध्यान से देख लीजिएगा आपकी बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये है पूरा का पूरा तरीका। हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, दूसरे को हम कैपिटल सेविंग बोल देते, तरीका बिल्कुल वही रहेगा, कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी। ओके बच्चों, तो कैपिटल सेविंग कब कहलाएगी, हम फिर से वही डाल लेते हैं, एक हम आइसोकॉइन ले लेते हैं, क्यू बोल देते हैं, Q1 जो कि हमारा 100 शर्ट के प्रोडक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। और हम एक इस पर एक वर्टिकल लाइन डाल देते हैं, एक लाइन डाल देते हैं जो कि इसको टेंजेंट करती होगी, मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया जिसको कि हम ए कह रहे हैं, और पहले की तरह 10 कैपिटल और 10 लेबर है। ओके जी, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैपिटल सेविंग कब कहलाएगी, जब आपकी जो लेबर है, ठीक है, वो कम हो 8, लेकिन जो कैपिटल है वो आपकी अब 4 हो जाए। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका इस तरीके का कर्व आ जाएगा। Q2 बोल देते हैं, 100 शर्ट ही प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको हम बी पॉइंट बोल देते हैं। ओके, इसको हम एक सीधी लाइन से मिला देंगे तो ये इस तरफ आएगा पॉइंट, ठीक है, यहां पे टेंजेंट पॉइंट भी बना लेते हैं ताकि इक्विलिब्रियम हमारा जो है वो मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये वाला पॉइंट इससे नीचे आएगा, ये वाला इससे ऊपर आएगा। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल टेक्नोलॉजी की, जिसके कि हम आगे वाले कई सारी वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही हमारा कंसेप्ट है ना, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मान लीजिए लेबर जो है, मान लीजिए यहां मैं लिख देता हूं 100 का आउटपुट हो रहा है, और ये कैपिटल जो है वो 10 है, लेबर भी 10 है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे कि 5 ही हमारा लेबर हो जाए, 5 ही हमारा कैपिटल रह जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है बी पॉइंट, वो ना तो लेबर, ना तो लेबर सेविंग है, ना ही वो कैपिटल सेविंग है। तो इसको हम दो लाइन और डाल देते हैं, और ये वाला लाइन लिया, ये वाला। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने समझा कि न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल चेंज कब कहलाएगा, और जब नॉन न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल चेंज कब कहलाएगा। तो ये दो कंडीशन जो है ये नॉन न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें लेबर सेविंग और कैपिटल सेविंग हो रही है, ये वाली जो है वो न्यूट्रल सेविंग हो रही है। अगली वीडियो में हम बच्चों डिस्कस करेंगे कि जो हिक्स है उनका अप्रोच क्या था अबाउट दी टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो बच्चों ये सारी की सारी वीडियो जो है आप मेरी ऐप पे भी देख सकते हो, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे बात कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।